सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल अभिषेक इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को, और इस बेल आइकन को दबाइए जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभिषेक इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे फ़ोन नंबर को किन किन लोगों ने अपने फ़ोन में सेव करके रखा है? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कि ये कैसे हो सकता है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आपका मोबाइल नंबर किसने सेव किया है, इसको कैसे पता किया जा सकता है। इसके लिए आपको सबसे पहले मोबाइल में व्हाट्सएप को ओपन करना होगा। इसके बाद राइट की तरफ आपको ऊपर की तरफ तीन डॉट दिखाई देंगे जिन पर आपको क्लिक करना होगा, जिसके बाद में आपके सामने न्यू ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना होगा। न्यू ब्रॉडकास्ट पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल के सभी नंबर सामने आ जाएंगे। इसमें आप 256 नंबर को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके फ़ोन में 256 नंबर हैं या इससे कम हैं तो आप सभी नंबर को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके फ़ोन में 256 कॉन्टैक्ट नंबर हैं तो यही प्रोसेस नए ब्रॉडकास्ट ग्रुप को बनाकर करनी पड़ेगी। आपको सभी 256 नंबर को सिलेक्ट करने के बाद अपने ब्रॉडकास्ट ग्रुप का नाम देना होगा। आपको जानकारी के लिए आपको बता दें कि आप जो भी मैसेज आप इस ग्रुप में अपने दोस्तों या फिर परिवार के सदस्य को भेजेंगे, वो मैसेज सबके पास व्यक्तिगत रूप से चला जाएगा। उनको इस बात का पता नहीं चल पाएगा कि आप उनको जो मैसेज भेज रहे हो वो कोई ग्रुप बनाकर भेज रहे हो। अब अगर आपको यह पता करना है कि आपके नंबर किस व्यक्ति ने सेव कर रखे हैं, तो इसके लिए आपको ब्रॉडकास्ट ग्रुप में कोई भी मैसेज भेजना होगा। अब जिसके मोबाइल में आपका नंबर सेव होगा उसके पास ये मैसेज चला जाएगा, और जिसके मोबाइल में सेंड किए हुए मैसेज नहीं जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो आपके नंबर सेव करके नहीं रखे हैं। दोस्तों, जिन जिन लोगों को मैसेज सेंड हो जाते हैं उसके चैट्स आपके सामने चैट लिस्ट में निकल कर आ जाएंगे, जिससे आप आसानी से जान सकते हो कि आपके फ़ोन नंबर किन लोगों ने सेव किया हुआ है। तो दोस्तों, ये थी वो जानकारी। अब आप हमें बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नया आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस बेल आइकन को भी दबा दें जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और हमारा कोई वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तो दोस्तों, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।